पहले से मैंने बताया था आपको कि हम लोग अपार बहुमत से जीतेंगे। बयार बह रहा है, अपार बहुमत से हम लोग जीतेंगे। अब 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बिहार में पुनः सरकार बनेगी। आँख चौंधरा जाएगा इस बार, तब पता चलेगा कि कांग्रेस के लड़ने से राष्ट्रीय जनता दल को कितना फायदा हुआ। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूँ राजेश। तारापुर का उपचुनाव अब समाप्त हो चुका है। चुनाव की जो समय थी वो समाप्त हो चुकी है और अब प्रत्याशी जो हैं, तमाम प्रत्याशी आकलन में लग गए हैं जीत और हार की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजद के प्रत्याशी अरुण साह जी, क्षेत्र से आए हैं। कैसा फील कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं चुनाव? तो पहले से मैंने बताया था आपको कि हम लोग अपार बहुमत से जीतेंगे। उसका वजह है कि सभी धर्म सभी जाति के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा है, और बार बार आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में उनका जो है कि मैं ए से जेड तक सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को मैं राजनीतिक सम्मान और अधिकार दूंगा, सामाजिक सम्मान और अधिकार दूंगा। तो उसी के तहत आज ये परिणाम आप देख रहे हैं कि बयार बह रहा है, अपार बहुमत से हम लोग जीतेंगे। चुनाव के पहले लालू प्रसाद जी तारापुर पहुंचे थे, कितना फायदा देखे? अरे लालू प्रसाद यादव जी जो है, लालू प्रसाद यादव जी आप देखे होंगे कि जहां खड़े हो जाते हैं वहां पे पूरा जो है मतलब कि लोग धरती ठहर जाता है। मैं आदमी का बात नहीं कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है उनके आने से फायदा हुआ ही। लालू यादव सामाजिक न्याय समता मूलक जो कर्पूरी जी का, अंबेडकर का, फूले का, जो उनका जो है सामाजिक न्याय के प्रति जो अवधारणा थी, उनकी जो धारणा थी उसको जमीन पर लाने का काम किया है। उसी का प्रतिफल देख रहे हैं कि आज एक जो है वैश्य का बच्चा उजला कुर्ता पहन के तारापुर विधानसभा का प्रत्याशी हो गए। पूरे बिहार की नज़र थी दो स्थान में, दो विधानसभा में उपचुनाव हो रहे थे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। पूरे बिहार की जनता का नज़र इस पर है, तमाम नेता भी यहाँ पर पहुँचे। स्थानीय मुद्दा कौन हो गया ऊपरी लेवल पर, ये चुनाव लड़ा जा रहा था स्थानीय स्तर पर, आपकी क्या सोच है? देखिए, आप देखिए कि पिछले आम चुनाव जो 2020 में था, उस समय हमारे पार्टी का जो घोषणा पत्र था, माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया था, तो उन्होंने कहा था, कई ऐसे थे कि मैं जो है पहली कलम से पहला हस्ताक्षर जब होगा तो 10 लाख नौजवानों की नौकरी दूंगा, और भी आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान की जो समस्याएं हैं वो सारी बातें जो उन्होंने कहा था। तो आज आप देखिएगा, अब 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बिहार में पुनः सरकार बनेगी, और सरकार जब बनेगी तो वो घोषणा जो उन्होंने किए थे वो भी पूरे होंगे, और पूरे बिहार में चौमुखी विकास होगा। उसमें तारापुर अछूता नहीं रहेगा, तारापुर अग्रणी पंक्ति में रहेगी। तो आप बता रहे हैं कि चुनाव के बाद 2 तारीख के बाद सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस तो अलग हो गया है आपसे? अरे कांग्रेस अलग हो गया कहाँ, आप देख रहे हैं कांग्रेस तो हम लोग के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अरे फ्रेंडली चुनाव, हम लोग फ्रेंडली जो है चुनाव हो रहा था वो अपने लड़ रहे थे, और ओवरऑल आप भी समझ रहे हैं फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे थे, तो महागठबंधन के फायदे के लिए चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के मैदान में उतरने से कितना फायदा आपको नजर आ रहा है? कांग्रेस के चुनावी मैदान में आपके खिलाफ उतरने से, कांग्रेस के प्रत्याशी के, आपको कितना फायदा नजर आ रहा है? अपार बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं, तो आप बताएंगे कि कितना फायदा होगा जिस दिन काउंटिंग होगा, और देखिएगा जब, तो आँख चौंधरा जाएगा लोगों का, उस समय समझ में आएगा कि कितना फायदा हुआ है। आँख चौंधरा जाएगा इस बार, तब पता चलेगा कि कांग्रेस के लड़ने से राष्ट्रीय जनता दल को कितना फायदा हुआ है। कांग्रेस अलग हो गई तो अलग कहाँ हुई फ्रेंडली? मैं तो पहले भी आपको बताया कि फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे थे हम लोग, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा क्या? कांग्रेस के नेता को आप लोग भगचंदर कहते हैं? कांग्रेस के नेता से पूछे नहीं होंगे इसलिए जो है वो नहीं कहा। पूछे, हमने पूछा, हमने बात की है, हम लोगों ने, हमारे रिपोर्टर ने बात की है, और
आप लोगों की तरफ से उन्हें भगचंदर कहा जाता है? नहीं नहीं, ऐसा 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 जो है ना, ऐसा आप नहीं बोलिए कभी। कोई जो है भगचंदर आप जो बोल रहे हैं इस तरह का कोई बात ही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है वो आप देख रहे हैं कि जो है वो मर्यादा में कभी जो है कोई समझौता नहीं करता, इसलिए ऐसी बात जो है बनी बनाई बात है, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता है। हम लोग सबका सम्मान करते हैं। आप राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं कि जो है कांग्रेस की बात करते हैं, हम लोग जो हमारे विपक्ष में जो हैं जो अभी सरकार में उसके बारे में भी हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीते जीतते हैं तो तारापुर के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं? जो भी मौलिक जो है ना सुविधाएं होगी, संसाधन जो होगा, मैं निश्चित रूप से उसको पूर्ण करूंगा। प्राथमिकता जो होगा उसको मैं करूंगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ राजद के प्रत्याशी अरुण साह जी। क्षेत्र से लौटे हैं, चुनाव समाप्त हो चुका है, क्षेत्र से लौटे हैं, अब तमाम कार्यकर्ता भी क्षेत्र से लौटेंगे, फीडबैक इन्हें मिलेगा, सारा आकलन होगा। हालांकि ये खुद फील्ड में घूमकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि भारी बहुमत से ये चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद इनकी प्राथमिकताएँ क्या होगी, इस पर जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो मूलभूत सुविधाएँ होती है पहले उसको वो देखेंगे, उसके बाद और भी काम जो पड़ा है जो सरकार नहीं कर पा रही है उसे पूरा करेंगे। देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।